हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीबोर्ड। और चालू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। जो पहली न्यूज़ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो चुकी है चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये सेकेंड एडिशन है, ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुई और इसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया। इसमें जो इन्वेस्टमेंट टोटल तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने किया है वो 75 करोड़ रुपीज़ है। अगर तमिलनाडु की सीएम की बात करें तो वो है ईपी पलास्वामी, गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जी, और इसके तमिलनाडु की कैपिटल सबको पता है चेन्नई मद्रास। आगे चलते हैं। पीएम मोदी लॉन्च प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च की है, जिसके तहत भारत में धार्मिक प्रवासियों के एक समूह को एक साल में दो बार भारत के धार्मिक स्थानों पर ले जाया जाएगा। और ये लिखा है कि 40 भारतीय मूल के लोगों का पहला जो बैच है प्रवासी भारतीय दिवस पर जाएंगे और यहीं से वे अपना दौरा शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने ये देख, प्रवासी भारतीय दिवस का 15th एडिशन यूपी के वाराणसी में हो गया। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये दो साल में एक बार होता है। जो 14th एडिशन था वो बैंगलोर में हुआ था, और उसकी अगर थीम की बात करें तो वो थी रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा। 15th ये जो था, इसमें अगर हम लोग चीफ गेस्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट इसमें ये हो सकता है कि जो चीफ गेस्ट थे, सॉरी, वो थे मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं प्रविंद जगनॉथ जी। ये इसके चीफ गेस्ट थे। 21st से 23rd जनवरी तक ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। आगे चलते हैं। IAFTX 2019 इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड इन पुणे। इंडिया और अफ्रीका के बीच में एक फील्ड ट्रेनिंग हुई है, जो कि हुई है महाराष्ट्र पुणे में। अभी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हुई हैं, मैं यहाँ पे पूछती हूँ, आप लोग एक्सरसाइज के नाम पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कौन कौन सी। एक हुई है सूर्य किरण, ये किसके किसके बीच में हुई है। एक होती है सैन्य मैत्री, ये किसके किसके बीच में होती है, किस कंट्री के बीच में। अभी एक हुई है एम्बेक, ये किस कंट्री के बीच में हुई है। ये फोर्थ है IAFTX, ये तो अपन ने पढ़ी लिया। ये किसके किसके बीच में हो रही है, इंडिया और अफ्रीका कंट्रीज़ के बीच में। तो इन सब को कमेंट करके बताएं कि ये किसके किसके बीच में हुई है। अगर इंडियन आर्मी के चीफ की बात करें तो वो हैं बिपिन रावत। आगे चलते हैं। नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा कमीशन्ड न्यू नेवल एयर बेस INS कोहासा। तो सिंपल इसमें यही कि एक नया एयर बेस जो है वो बनाया गया है, जिसका नाम है INS कोहासा। ये अंडमान निकोबार के दिजलीपुर में है, और इसका मिशन क्या हो गया है वो है नेवी चीफ, हमारे इंडिया के नेवी चीफ बाय सुनील लांबा। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे जो है तीन आइलैंड का रीनेम हुआ था। पहला जो है रॉस आइलैंड, दूसरा था नील आइलैंड, और तीसरा था हैवलॉक आइलैंड। तो रॉस आइलैंड का नेम जो है वो चेंज होके हो गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील आइलैंड का नाम हो गया है शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का नाम हो गया है स्वराज द्वीप। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार के तीन आइलैंड का रीनेम हुआ है। और इसके बारे में और पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जो एयर बेस है वो जो उसको यूज़ किया जाएगा फॉर हैंडल ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट लाइक डोनियर। अंडमान निकोबार की अगर और बात करें तो यहाँ का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे लोकसभा की सीट है एक। यहाँ के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो है देवेंद्र कुमार जोशी। तो इम्पॉर्टेंट हमने तीन चीज़ डिस्कस की कि सुनील लांबा द्वारा, जो कि हमारे इंडियन नेवी चीफ हैं, उन्होंने एक नया एयरबेस लॉन्च किया है, एयरबेस मतलब कमीशन किया है, उसका नाम है INS कोहासा दिगलीपुर पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान निकोबार के तीन आइलैंड्स का नेम चेंज हुआ है, और वो जो तीन आइलैंड हैं जिनका नया नाम चेंज हुआ है वो है रॉस आइलैंड, नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड। रॉस आइलैंड का नेम हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील आइलैंड का नाम चेंज होके हो गया शहीद द्वीप। हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज होके हो गया है स्वराज। अगर हम लोग अंडमान निकोबार के कैपिटल की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल है। लोकसभा सीट इसमें सिर्फ एक ही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो है देवेंद्र कुमार जोशी जी। आगे चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम 2019 हेल्ड इन गोवा। जो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम है उसका सेकेंड एडिशन गोवा में इनॉग्रेट किया गया। स्टेट के यूनियन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनके पास, फॉर आयुष श्री श्रीपद यशो नायक जी ने उसको गोवा में इनॉग्रेट किया। ऑन द रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल प्रोडक्ट्स एडवांसिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन इन गोवा। तो आगे चलते हैं। इंडियाज ग्रोथ टू एक्सेलरेट फ्रॉम 7.4% टू 7.6% इन फिजिकल ईयर 2020 बाई UN रिपोर्ट। UN रिपोर्ट के तहत अगर UN की बात करें तो उन्होंने ये अनुमान जताया कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7.4 से 7.6 हो जाएगी
2023 वो यूएन ने दिया है और उसका जो टाइटल की बात करें तो ये है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट। इसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे जीडीपी की ग्रोथ पढ़ चुके हैं इसके, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लोगों ने अपनी ग्रोथ बताई है सब, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। सीएसओ ने बोला है कि 7.2% रहेगा, वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि 7.3% होगा, आरबीआई ने जो बोला है वो बोला है 7.4% रहेगा, ये 2018 से 19 की। और अगर इसको इसमें भी इंक्लूड कर लेते हैं कि यूएन रिपोर्ट के तहत 7.4% वो अब किस में हो जाएगा, 7.6% हो जाएगा 2019 से लेके 2020 तक। आगे चलते हैं। 3 इंडियन एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूएई विन प्रेस्टीजियस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो 21-23 जनवरी के बीच में वाराणसी में हुआ, उस कन्वेंशन में एक प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए। तो ये 3 इंडियन अप्रवासियों लोग को दिया गया जो कि यूएई से हैं। तो पहले हैं वो गिरीश पंत, दूसरे हैं सुरेंद्र सिंह कंधारी जी और तीसरी हैं डॉक्टर जुलेखा। गिरीश पंत की बात करें तो वो एक सोशल वर्कर हैं, सुरेंद्र सिंह कंधारी की बात करें तो वो चेयरमैन हैं ऑफ गुरुद्वारा गुरु नायक दरबार सिख टेम्पल, एक फिलोथ्रोपिस्ट हैं और एक बिजनेसमैन भी। डॉक्टर जुलेखा की बात करें तो वो फाउंडर और चेयरपर्सन है जुलेखा हेल्थ केयर ग्रुप। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस यही कि 3 लोग जो हैं यूएई से उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। उनके जो नाम है वो गिरीश पंत, सुरेंद्र सिंह कंधारी जी, डॉक्टर सुलेखा जी। हम लोगों ने ये देख लिया है कि 21 से 23 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ये वाराणसी में हो रहा है। 15th एडिशन है, इसको इनॉग्रेट किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसी मतलब कन्वेंशन में अभी नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही आज ही डिस्कस किया कि क्या लॉन्च किया उन्होंने, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का भी इन्होंने इसमें लॉन्च किया। आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया, तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया। इसकी जो थीम थी वो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो, और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। अगर हम लोग इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो इनकी जो मिनिस्ट्री है वो है मेनिका संजय गांधी जी के पास। आगे चलते हैं। और आज की लास्ट न्यूज़, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। तो दो चीज़ हमें याद रखनी है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, तो इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये होता है और एक इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी की अगर बात करें तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, जैसे कि अगर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 4 जनवरी से, तो इसे ब्रेल डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे, कि नेशनल हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। फिर हम लोग बनाते हैं 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। फिर अभी हम लोगों ने 14 जनवरी को मनाया है कि आर्मी वेटरन डे, आर्मी वेटरन डे। 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। फिर अभी हम लोगों ने 24 जनवरी को हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, एक चीज़ क्या है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, एक और चीज़ क्या है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। नेशनल हिंदी डे की बात करें तो नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे ये सितंबर में मनाया जाता है ना, कौन से सितंबर में, 14th सितंबर। तो 14th सितंबर को ये मनाया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें जिससे आपसे हमारे कोई भी नई वीडियोस मिस ना हो, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर।